अगर आप भी अपनी विंडो को फॉर्मेट कर रहे हो और आपको कुछ इस तरह का एरर आता है अपने डेल लैपटॉप में, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अगेन यहाँ पे आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से F2 की को कंटिन्यूसली प्रेस करना है। और जैसा कि आप चेक कर सकते हो, हमारे जो डेल का बायस मेन्यू है यहाँ पे हमें शो नहीं लगा है, तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो हार्ड डिस्क हमें शो हो रही है नहीं। तो इसके लिए हम स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हमें चेक करनी है हमारी हार्ड डिस्क। आप चेक कर सकते हो हमारी यहाँ पे जो SSD है यहाँ पे हमें शो हो रही है 256 GB, मतलब हमारे लैपटॉप में कोई भी ऐसा हार्डवेयर इशू नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अगर आपका रेड ऑन करके सेलेक्ट है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे AHCI इसको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एग्जिट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको F12 की कंटिन्यूसली प्रेस करना है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा जो डेल का बूट मेन्यू हमें शो हो रहा है। यहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव वो सिलेक्ट करनी है। चलो हम पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन इंस्टॉल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पे आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिलेक्ट करना है। चलो विंडो 10 प्रो को सिलेक्ट करते हैं, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इस पर आपको चेक मार्क करना है, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आप चेक कर सकते हो गाइज, जो हमारी हार्ड डिस्क यहाँ पे शो नहीं लगी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।